Good morning. Afternoon. आज जो है हम लोग नई एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन है जी, एक्सरसाइज में इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज आपके आगे स्टार्ट हो रही है 1.3 है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1 है, लिखा है जी सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को साल करने के बेटा दो मेथड हैं, ठीक है। तो मर्जी है किसे करें, होगा। अब आपकी मर्जी है कि इसको आप जिस मेथड से मर्जी सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन से करें, कंपटीटिव केस होता है उसे करें, क्वाड्रेटिक हमने से करें या और कोई ऐड करके करें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं इस सवाल को इस तरह करता हूं, जरा देखिएगा कि यहां से मैं लेट कर लेता हूं, लेट का नहीं होता है -7 कितना लेकर बेटा 2 x स्क्वायर -5 x स्क्वायर 2 x स्क्वायर -5 x स्क्वायर कितना होता है -7 x स्क्वायर +5 इक्वल टू 0। अच्छा भाई मत ये कुछ होगा, ये चार टर्म बन गई है, पहली दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है जी, 2 कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या हो जाएगा जी x स्क्वायर, x पावर 4 थी ना, x को 2 पावर आ गया तो क्या बच गया, x स्क्वायर 2 की पावर -, लेकिन 2 की पावर आ गया, x स्क्वायर की पावर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा यहां पे, हां 1 2 आएगा और 5 का मान आ रहा है जी, क्या बचेगा बेटा, x स्क्वायर -1, ठीक है, इक्वल टू 0। ये दो ब्रैकेट सेम होते हैं, एन नहीं होते, ठीक है। जो जगह पर बेटा 2x²-5 और मेरे बच्चे x²-1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि 2x²-5 इक्वल टू 0 और x²-1 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, 2x², ये -5 का पावर है ये +5 x² तो क्या क्या हो जाएगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर डिवाइड हो जाएगा। अच्छा अच्छा ये वो भी थी जिससे बोलते हैं, लेकिन आपको शांत के से बता रहा, बस यहां मल्टीप्लाई कर दो पावर या डिवाइड नहीं, तो ये यूं भी होता है, मैं बता देता हूं, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देता हूं तो दिमाग वही होती है, लेकिन वो नवे चक्कर है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे स्केयर का स्केयर बहुत बड़ा है, 5/2 इधर भी स्केयर हो, ठीक है। आपको पता है स्केयर और स्केयर रूट आपको कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x = ±5/2 स्केयर रूट, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों अब बारी आती है इसकी, इसकी ना ये x अगेन, ये माइनस होना मेरे बेटा आधा की स्केयर रूट, यहाँ पे मैंने स्केयर रूट लगाया, आप देखिए मेरे बेटा 1 के ऊपर भी स्केयर रूट लगा दिया, ठीक है। ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल,
अब मेरे बेटा आपके पास हो गया x इक्वल टू मान का जो शेयर हो तो मेरे बेटा को प्लस माइनस मान हो गया ठीक है। इसको जब सब कुछ फिट होगा ना तो नहीं होगा a के लिए प्लस माइनस ये वाला टू और दूसरा जो है प्लस माइनस वाले चार हो गए ठीक है। चार क्यों हो गए और फोर है और क्या फोर है इसी से चार रूट हो गए ठीक है। चार आंसर बनते हैं एक प्लस एक माइनस में दो ही ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ यूं है एक्स स्क्वायर प्लस 12 बाय एक्स स्क्वायर करो फर्स्ट पार्ट का ठीक है। अच्छा अब क्या होता है मेरे बेटा इसको थोड़ा साल करते हैं देखें इसको साल करेंगे तो इसमें क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर पावर फोर पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे मेरे बेटे ठीक है प्लस 12 ये वाला एक्स स्क्वायर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा a into x square ठीक है x power 4 ये प्लस 8 x square है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा minus 8 x square ये प्लस 12 अब इसको करने की कोशिश करते हैं ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें वो करें तो कितना आएगा बेटा पहले वैसे ही आपने ये इसी को फिर से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे क्या आएगा माने ठीक है यहाँ पे वन होता है लेकिन यहाँ पे कोई नहीं वन होता है ये सब कोई नहीं होता ना आपका पता होता है एक पता। अच्छा हमने क्या लाना है एट लाना है देखें चीटुदार सिक्स सिक्स प्लस टू कितना होता है एट तो इसके फैक्टर बनाइए सिक्स और टू एक्स के माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स और माइनस टू होता है माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है बेटा चार टर्म्स आपके पास बनती है तो दो दो ले लो पहली दो में क्या कॉमन है बेटा पहली दो में कॉमन है इसमें एक बार थोड़ी पहली दो में कॉमन है एक्स स्क्वायर कॉमा ठीक है जी यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स देखिए पहले डॉटर में क्या है इसी टर्म के साथ सिंपल जो है वो माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा अगर इसी टर्म के साथ प्लस होता तो प्लस कॉमन आता। अच्छा अब क्या है जी इन दो में कॉमन क्या आ रहा है जी और करें तो टू कॉमन आ रहा है ठीक है और x स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो ठीक हो गया। अब अगर देखें ये माइनस टू हो रहा है तो पारा कितना टू हो जाएगा और ये कैंसल x इज इक्वल टू प्लस माइनस टू टू और x स्क्वायर की लगा लें इक्वल टू सिक्स के टू भी लगा लें आंसर इसका आ जाएगा
ठीक है। अच्छा तो सॉल्यूशन सेट जो है आपके पास जो होगा और 10 माइनस के रूप से, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये दो क्वेश्चन हैं, मैं लिख देता हूं जिनके पास बुक है वो लिख ले इस क्वेश्चन को। a x स्क्वायर प्लस 5y, मेरे पास एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर इक्वल टू 13 एंड ये मेरे बोल रहे हैं चौथा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर इक्वल टू 2। ये दो क्वेश्चन जो है ये आपकी हिम्मत है अब आ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 पे उसी निशान में लिखा है। मैं आपके लघुचित्र पर नहीं डालना चाहता, बस उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जितनी वर्दी प्लस 3 बाय x लिखा हुआ है इक्वल टू 6, ये इसको सॉल्व करते हैं। 2 का पार्टनर 1 है, ठीक हो गया। तो सॉल्यूशन है उसका जी x प्लस 3 बाय x इक्वल टू 6। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमने किया था एलसीएम, ठीक है। ये इसके साथ में लिखा ही होगा, क्या होगा यहां से वैसे एरो डाल देता हूं, x इनटू x, एक ही वाला x, ये वाला x दिया गया प्लस 3 इक्वल टू 6, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 3 ओवर x इक्वल टू 6। अब ये वाला x यहां पे इसको ले जाओ मल्टीप्लाई कर लो मेरा बेटा, ये हो जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 6, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, x स्क्वायर ये प्लस 6 है ना, इस तरफ आ गया जाएगा माइनस 6, ठीक है। अच्छा ये प्लस 3 ये वाला इक्वल टू 0। अच्छा अब जरा गौर करें, यहां पे गौर करने के साथ ये होता है कि यहां पे 3 1 का 3 आता है, देखिए 3 प्लस 1 करो तो आता है 4, 3 में से 1 माइनस करो तो आता है 2, यानी 3 और 1 से किसी भी तरीके से 6 नहीं बना सकते। तो यहां से पता चला कि यहां पे नहीं बनते, इसको करेंगे फैक्टराइजेशन से नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से, पता चला यहां फैक्टराइजेशन ही होती है। बाद का पता कैसे चला फैक्टराइजेशन होती है, मैंने यहां पे बनता था 3, ठीक है फैक्टर बनाया 3 और 1 ही बनते हैं। अब 3 प्लस 1 करो आता है जी 4, 4 यहां है नहीं है, 3 में से 1 माइनस करो तो आता है 2, 2 भी नहीं है तो ज्यादा ये वाला पास नहीं होगा, ठीक हो गया। अब यहां पे लगेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने का मकसद यही था कि पास पास फैक्टराइजेशन की थी तो आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें। तो आप यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कंपेयरिंग, कंपेयरिंग वे a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू में बेटा क्या जाएगी 1, b की वैल्यू क्या जाएगी -6 और बेटा c की वैल्यू क्या आएगी बोल करें बेटा 3, ठीक हो गया। ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब मेरा बेटा स्टेप नंबर जो 3 है ना जरा वो आप जरा सुनिए क्या होगा,
अच्छा उसके बाद होता है बेटा स्टेप नंबर 3 जो होता है वो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या जी फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला फार्मूले का पता है मैंने आपको 9th क्लास में क्या आई थी फार्मूले की। अच्छा जी कोई वाला फार्मूला है जी, तो x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac के रूट डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है जी। x is equal to minus, अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा बेटा b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू minus 6 है जी। अच्छा प्लस माइनस माइनस सिक्स कर सकते हैं माइनस फोर ए और सी, यहाँ पे वैल्यू होगी ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 2 इनटू ए की वैल्यू क्या है 1। अच्छा जी माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है जी माइनस 3 4 का होता है तकरीबन 12, ठीक है। अच्छा तो बन रहा 2। अब मेरे बेटा आगे क्या होगा, आगे ये है कि अच्छा के बाजिल बाय 2, अब जरा गौर करें 6 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है ना, हो सकता है थोड़ा सा सॉल्व कर लेते। अच्छा अब क्या होगा x इक्वल टू 6 प्लस माइनस, देखें ये 2 का स्क्वायर मान सकते हैं रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो इनका नहीं बनता तो यूं छोड़ दो ना जी डिवाइडेड बाय 2। अब वो यहां से चलते हैं आगे, ठीक है जी x is equal to 6 plus minus, देखें ये square और यहाँ पे क्या हो जाएंगे cancel, ठीक है 2 बच गया और 2 3 जा तकरीबन 6 होता है, अब यहाँ पे दो बातें हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तरीका ये ठीक है 6 divided by 2 plus minus 2 to 6 divided ये भी ठीक है, दूसरा ठीक है ये कि आप कॉमन ले लें, मैं नहीं लेता अपना चाहे तो ले लें, ये 3 काट के आ जाएगा जी प्लस माइनस ये 2 2 भी कट जाएगा जी तो 6 आ जाएगा, ठीक है 3 प्लस माइनस 6 तो सर सॉल्यूशन सेट होगा ना जी, वो होगा मेरा बेटा 3 प्लस माइनस 6 रूट, समझ आ गया कि मेरा बेटा गुड। यहाँ तक आपने क्वेश्चन करना है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं है मेरे बच्चों, क्या बोलूँ मैं आपको, दुनिया किसी हाल में खुशी मन सलो आ रहा था ना तो बढ़िया से वो पका पकाया एक हफ्ता खा के पके ना तो खुश हो गए, कहते हैं यार ये चीज मोड़ी वही है तो इसको हमको पता पता है मन से तो ही मिला ना तब भी खुशी थी, काश मन से तो अभी भी हार होता ना अब तब तक घर ही होते कोई टेंशन नहीं होती रहती की है पका पका है घर भी आ रहा है ये मैं बनी सेट ना लेना ये मस्ती की तभी 5000 पाए ना उनमें से इतना 1000 आजकल भी आ रहा है पता आपको कौन सा आदाब है जो बनी फेल की बना बार आता है आवश्यक है आप ऐसा बनी फेल आज तो पढ़ा में जी वो किडी दल है किडी दल बनी फेल का ऐसा है आप किडी का ठीक है आज कल भी आया है आप किडियों का तो ये दुनिया किसी आगे कुछ नहीं है क्या करो अगले उसी तरफ आ जाते हैं जी वो इधर के पश्चात भी नहीं होगा। अच्छा अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही ये जरा करता हूँ आपको कुछ चीजें
मेरे गेटो ना सर टू पार्ट है x माइनस 1 बाय x है इक्वल टू 2 ये आपको कर दो इस जैसे ही ठीक है। अब वो मैं तीसरा करने की कोशिश करता हूं कोशिश क्यों करता हूं ये मैंने आपको बताया है कि हमने ये कभी नहीं कहना ये भी सवाल है हो जाएगा ऐसे ही कोशिश करता हूं मतलब है ना मैं भी चलते ही कोशिश करते हैं अलग करेगा हो जाएगा ठीक है। अच्छा स्टेट नंबर 1 क्या है मेरा बेटा एलसीएम 2x ठीक है। अब इसकी सब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा मेरा बेटा 3x into 2x ठीक है वही स्टेट पे रख देंगे प्लस 4 equal to 6 plus 8x बहुत सारे तरीके तो आज से मैंने एक तरीके तो आगे बढ़ दिया ठीक है। ये भी कर सकते थे कि एक मैंने घटी मैंने डेरिवेटिव ले लेकिन मैंने इसको रूट दिया आप जिस मर्जी करना चाहे कर सकते सवाल को ठीक है। 2 6 साथ में होगा x के प्लस 4 ओवर 2x equal to 6 plus 8x स्टेप नंबर 2 देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 2x ये वाला कितने का गया डिवाइड हो रहा था 12 के मल्टीप्लाई में ठीक है। अब 6 plus 8x ठीक मेरे बच्चों अगर वो खींचेगा यहां पे ये होगा कि 6x स्क्वायर ये प्लस 4 एज इट इज क्वेश्चन की मैंने इसके साथ ही इसको सिंपलीफाई करके ब्रैकेट को ठीक है 6 2 इक्वल 12x अच्छा जी प्लस हो जाएगा जी एंड टू आर होता है ये 16 होता है लगता है ना ठीक होता है। अच्छा चलो 16 ले लीजिए ठीक है वैसे आजकल एंड टू आर 16 होता है ठीक है साथ में होगा x के x इनटू x x के ठीक है। तो अब आगे कुछ ऐसे होगा देखिए x के बेटा से गठी कर लेते हैं ठीक है ऐसे करते हैं कि देखिए ये 6x के ये प्लस 16 x के इन दोनों से बड़ी टर्म जो है वही है और ये वाली छोटी है तो मैं यू करता हूं कि इस में करता हूं 0 देखिएगा 6x 16 x के ये वाला इतना आ गया ये प्लस 6x के रूप में इसको पार ले जाओ आसानी के लिए माइनस 6 के रूप में 6x के ये वाला प्लस वाले कितनी बचू गए छेड़ी की मैंने ये प्लस 4 है ना इसको मैं पार लेके जाता हूं ये हो जाएगा माइनस 4 ठीक है। अच्छा यू के जीरो ये आसानी के लिए किए है पूरी नहीं कि आप इसको पार लेंगे आप इसको तो भी रहते हैं इधर लेकिन बाद में आपको ना माइनस काम लेना पड़ेगा माइनस आएगा एक्स के रूप में तो मैं अपनी सुधर के लिए क्वेश्चन को आसान बनाता रहता हूं आप जैसे मर्जी चेक कर सकते इस बेसिस को माइनस करें तकरीबन 16 माइनस 6 तकरीबन 10 होता है 10 स्क्वायर ठीक है जी प्लस 12x माइनस 4 अच्छा 10x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 इक्वल टू 0 अच्छा अब यहां से दो बातें हैं या तो आप यहां से कोई कॉमन ले लेने पे कॉमन आ रहा है ठीक है कोई कॉमन आ रहा है अगर आप कॉमन लेना चाहते हो तो ले लें नहीं लेना चाहते तो ठीक है आप यहां से कि दो है बल्कि तीन है पहला तरीका ये कि आप इसको सिंपलाइजेशन करेंगे कितना आता है 40 इसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा बेटा 40 आएगा ठीक है 10 का 40 होता है ठीक है उसके साथ करेंगे 20 का 50 के साथ करेंगे 10 का 50 के साथ करेंगे 5 का और फिर करेंगे 5 बनता है ठीक है जी। तो हमने क्या लाना 40 लाना साथ में 20 भी लाना है कैसे है भाई ठीक है जरा सोचिए अच्छा यहां से करें ये हो जाएगा 10 प्लस 4 करें 10 प्लस 4 14 होता है नहीं आता अच्छा फिर 10 को से नहीं होता दूसरा तरीका क्या है जी कि आपके पास जो इसको 8 कर ले 8 प्लस 5 कर तो कितना आता है 8 प्लस 5 है तो भी 13 होता है नहीं आता तो आप इतने चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों बना है इसलिए बना है ताकि बच्चा सोचे ही क्वाड्रेटिक फार्मूला देखा था ना कंपेयरिंग दे क्या अंतर है दोनों में वो जो आप बदी लगाई गई होंगे फिर कहते हैं एक मिनट क्या है 10
बी की वैल्यू क्या रहेगी, 12, सी की वैल्यू क्या रहेगी, -4, ठीक है। आप काम भी ले सकते हैं, मेरे काम नहीं भी है, बहुत सारी चीजें कहा होते हैं इसको शुरू करने के, तो जिस तरीके से मर्जी करें वो दूसरी बात भी होती हो जाता है। आगे से सार करते हैं, ठीक है, अब मैं वैल्यू डालता हूँ, ये वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कल की वैल्यू स्टोर क्या होता है, तो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं माइनस बी, समझ लगा लिया, माइनस बी बी जगह पे क्या आ गई, तो वैल्यू अच्छा फिर क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है सी की वैल्यू -4, ठीक है, और यहाँ पे की वैल्यू है 10, तो ये होगा -12, यहाँ पे क्या तो -12 प्लस -12 का स्क्वायर होता है तकरीबन 144, ठीक है ना, -- प्लस, ठीक है जी। अब देखें 4 4 16 16 10 कितना होता है 160, ठीक है, स्क्वायर रूट ये बाकी का है 2 10 का कितना होता है 20, ठीक है, प्लस माइनस, अब आप इसको प्लस करें मेरे बेटा, 144 को प्लस करेंगे 160 में, तो मेरा बचा ये 4, ठीक है, ये 10, ये 3, ठीक है मेरा बेटा, बनाएगा और ये हो जाएगा 3, 304 आता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20, यहां से आगे इससे आगे नहीं बता रहा, इसलिए थोड़े से फैक्टर बनाए और अलग डिवाइड करें, थोड़े से फैक्टर बनाए अलग करके बैठे, 2 3 से हो गए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अच्छा बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास ये 4 है जी, ये जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मसला है, ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, और ये जो है ये 8, मुझे लगता है ये गलत प्रिंट हुआ है, तो इसको हम देखेंगे, यही बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम वो करते हैं, इमेज प्रिंट हुआ है, ठीक है, इसको दोस्त करते हैं, देखिए अच्छा बच्चों लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन और मदद कर लेते हैं कि एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल है जो हमारे पास आपको पता है आपके टेबल में एग्जांपल की आती है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट होती है, 8x4 प्लस 6x2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है,
अच्छा एक बार था ये टू फोर दान टू दान टू फाइव दान टू ये फोर और ये टू फोर प्लस टू कितना होता है सिक्स होता है और फोर टू को मल्टी प्लाई करो तो एट दिया था ठीक है फोर प्लस टू सिक्स भी एक्स पावर फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब कोई फोर टर्म्स हो गई यहाँ पे दो टर्म में क्या काम बना रहा है फोर टर्म बना रहा है एक्स स्क्वायर टर्म बना रहा है अंदर के बाद बचने का बेटा टू और टू आ गया मतलब टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है प्लस प्लस फोर बाय के लगा कॉमन और एक्स एक्स के बाय कॉमन जो लगा तो यहाँ क्या रखते हैं मान जगह वन होता है तो बड़ी वहां है तो एक्स वन कॉमन आ रहा है यहाँ पे हो जाएगा कि टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है ये देखिए दो ब्रैकेट सेम हो गए इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हो जाएगा कि फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक ये वो फैक्टर है दूसरा हो जाएगा कि टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ये दो पास हो गए यहाँ से आपको पता है कि ये तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा और टू इक्वल टू माइनस वन और एक्स के इक्वल टू माइनस वन बाय फोर ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जरा और कीजिएगा टू एक्स के इक्वल टू प्लस वन है सर बाकी माइनस वन इसके को खत्म करना है तो इसके को खत्म करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है ये घर यहां पर देखो लेकर बेटा कैंसिल ठीक है आपको पता है ना माइनस वन किस इक्वल होता है प्लस के इक्वल होता है और ये वाला यहाँ ठीक है लगा लेते हैं माइनस वन बाय टू स्केयर रूट यहां भी लगा लिया अगला स्टेप जो है ये कैंसिल हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन की जगह पे लगाएंगे ये हटा सकते हैं अब जरा बोल दीजिएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हटा स्केयर के ऊपर रूट अलग लगा लें और सो के ऊपर रूट अलग लगा लें मजीद क्या के पास पता है कितना होगा प्लस माइनस टू यहाँ पे अगर आप इस तरीके से करें तो एटा स्क्वायर के ऊपर उसके रूट अलग लगा लें और टू के ऊपर अलग लगा लें तो आपके पास जो आएगा प्लस माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल बच गया एटा और नीचे जो है टू स्क्वायर रूट हो जाएगा ठीक हो गया।